नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी। मैं रोहित शर्मा एडुल के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आवाज़ सभी को प्रॉपर आ रही है, यस या नो। चलिए एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी। यहां से भी आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है, चाहत, पंकज और सालू जुड़ चुके हैं। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से। देखो, पाइप और टंकी में कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं है, बस आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, लैसेप है, लघुत्तम समापवर्तक। क्लियर। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो इसका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपसे बोलेगा कि एक ए पाइप है, किसी टंकी को इतने घंटे में भरता है, बी पाइप उस टंकी को इतने घंटे में भरता है, दोनों मिलकर टंकी को कितने समय में भर देंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो एलसीएम आपको अगर आता है तो इस टॉपिक के क्वेश्चन को आप बिल्कुल आराम से सोल्व कर लोगे। क्लियर। चलो जल्दी से सभी जुड़े, फिर स्टार्ट करते हैं। सीधे क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन से ही देखेंगे क्या क्या होता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लगा दिया गया है। आपसे बोल रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को, टैंक समझते हो, पानी की टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। क्लियर। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में समय लगेगा कितना, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल बहुत ही इजी कंसेप्ट है बेटा, एलसीएम आपको आना चाहिए बस। उसने बोला है कि दो पाइप हैं, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। ठीक, दो पाइप हैं ए और बी। ए पाइप टंकी को 20 मिनट में भरता है, जबकि पाइप बी टंकी को 30 मिनट में भरता है। ए भरता है 20 मिनट में और बी भरता है 30 में। अगर हम इस 20 और 30 का एलसीएम ले लें, 20-30 का एलसीएम होगा 60। अगर आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं तो आपके पास तरीका है, 20 और 30 ऐसे लिखो और 2 से इसको भाग लगा दो। 2 से जाएगा कितनी बार, 10 बार, और ये जाएगा 15 बार। क्लियर। फिर 2 से भाग लगा दो, 2 पंजे 10, ये 15 रहने वाला है। फिर किससे भाग लगाएं, 3 से भाग लगा दो, यहाँ पे 5 और यहाँ पर भी 5। लास्ट में फिर 5 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 1 और 1। 5 दिया 15, दुनी 30, दुनी 60, तो एलसीएम कितना निकल के आया, 60। एलसीएम कितना बना, 60। और ये जो 60 है ना, ये होता है बेटा टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। इसको क्या बोलेंगे, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, मतलब जो टैंक है उसकी क्षमता कितनी है, उसके अंदर 60 लीटर पानी भरा जा सकता है। क्लियर। अगर कोई ए पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, पानी भरना कितना है, 60 लीटर। अगर इस 20 से 60 को भाग लगाएं तो 20 तिया कितना होगा, 60। इसका मतलब ए नाम का जो पाइप है एक मिनट में 3 लीटर पानी भरता है। मिनट में दिया है, मिनट लिख लो, घंटे में देगा घंटे लिख लेंगे। ए पाइप एक मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, बी पाइप टंकी को 30 मिनट में भर देता है, पानी भरना है 60 लीटर। 30 से 60 को भाग लगाएंगे तो 30 दुनी 60, इसका मतलब ये जो बी पाइप है एक मिनट में 2 लीटर पानी भरता है। क्लियर। 3 और 2 मिलके कितना हो गया बेटा, 5। ये दोनों मिलकर 5 लीटर पानी भरते हैं, कितने मिनट में, एक मिनट में। पानी भरना कितना है, 60 लीटर। इस 60 लीटर पानी को भरने में दोनों को कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इस 60 को अगर हम दोनों की क्षमता से भाग लगा दें तो 12 पंजे 60,
इसका मतलब 12 मिनट लगेगी ए और बी दोनों को मिलकर टैंक को भरने में। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, कोई भी बात अगर समझ में ना आए, एक डायग्राम सा बनाना है और उसी में हमें क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आती है क्वेश्चन की तो आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, लैंग्वेज को नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। पहले क्वेश्चन में अजय, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता वो एलसीएम इस प्रकार से ले ले और एलसीएम निकल के आ जाएगा। जब आपको चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो एलसीएम आप भी डायरेक्ट निकालेंगे। यस या नो? अब यहां पे तो कंडीशन ये थी कि दो पाइप थे ए और बी, दोनों टंकी को भर रहे थे। अब देखते हैं नया क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। ये हो गया आपका टाइप फर्स्ट। एक इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, हाँ बिल्कुल, टाइम एंड वर्क वाला ही कंसेप्ट है। टाइम एंड वर्क में क्या होता था, दो आदमी किसी कार्य को इतने और इतने घंटे में करते थे। यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे दो पाइप लगा दिए, वो टंकी को भर रहे हैं। वहां पर हम टोटल कार्य निकालते थे, यहाँ पर क्या निकालते हैं, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालते हैं। बस नाम बदल दिया गया है। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये अलग अलग टॉपिक क्यों बना रखे हैं, जब कंसेप्ट ही सेम है तो इसको मर्ज करके एक ही बना दो। चलिए, एक टैंक में दो पाइप लगे हैं, पहला पाइप उसे 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। अब यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होगा, ध्यान से समझना है। उसने बोला है दो पाइप, हम मान के चलेंगे ये पहला पाइप है और ये दूसरा पाइप है। एक टंकी को भरता है और एक खाली करता है, तो जो भरेगा उसको ले लो प्लस और जो खाली करेगा उसको कर दो माइनस। एक भरता है टंकी को 4 घंटे में और दूसरा खाली करता है 16 घंटे में। ध्यान से समझना, 16 और 4 का एलसीएम जब हम लेंगे तो एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, तो 16 ही लिख दो यहां पे। ये 16 इसका एलसीएम बन जाएगा और ये क्या कहलाएगी, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। 4 से अगर हम इस 16 को भाग लगाएंगे तो 4 चौक 16, इसका मतलब ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा। कौन? पाइप ए। ए मान लो, बी मान लो, आपकी मर्जी है। क्लियर? जबकि जो दूसरा पाइप है ये खाली करने वाला पाइप है, मतलब एम्प्टी निकासी पाइप है। 16 से 16 को भाग लगाएंगे कितना आएगा, 1। इसका मतलब ये खाली करने वाला जो पाइप है 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करता है। ध्यान से समझना, उसने हमसे बोला है अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दें, एक ही समय पर खोल दें, तो टंकी कितने समय में भरेगी। अब देखो, ये तो है प्लस और ये है माइनस। ये तो भरने वाला पाइप है और ये खाली करने वाला है। ये 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, ये 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है, तो टंकी में कुल पानी कितना भरा जा रहा है, 4 में से 1 माइनस करेंगे, इसका मतलब 3 लीटर पानी भरा जा रहा है मात्र 1 घंटे में। क्लियर? टोटल पानी भरना कितना है, 16 लीटर। इस 16 लीटर को 3 से भाग लगा दो, 3 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 3 × 5 = 15। इसका मतलब 5 सही 1/2 घंटे, 1/3 घंटे का समय लगेगा टैंक को भरने में। बताइए, कोई दिक्कत है किसी को? ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अभी तक हमने दो तरीके के क्वेश्चन सीखे, जब दोनों टंकी को भरते हैं, दूसरा सीखा एक भरता है और एक खाली करता है। धीरे धीरे कंडीशन बदलती जाएंगी, क्वेश्चन में चेंज होते रहेंगे,
आपको समझना है कि करना क्या है। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखो, जरा बताओ क्या आंसर आएगा। संख्या आज भी कम है, वही 7-8 बच्चे रहने वाले हैं क्लास में जिनको डेली पढ़ना है, एक दिन आते हैं एक दिन गायब। दो नल ए तथा बी एक होज को, होज सुना है आपने, होज भी एक प्रकार की क्या होता है, टैंक होता है जो नीचे जमीन पर बना दिया जाता है सीमेंट और ईंट से, ठीक है, उसमें पानी भरते हैं, कुछ उसमें कपड़े धोते हैं, तो उसको बोलते हैं हम होज। सब वही बात है बेटा, टैंक बोले, टंकी बोले, होज बोले, इन सब बातों का एक ही मतलब है। एसबी पांडे, पंकज और अजय ने आंसर कर दिया 30 घंटे का समय लगेगा। ए और बी एक होज को 3 घंटे तथा 5 घंटे में भर सकते हैं, उसे नल सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। इस बार 3 पाइप आ गए और 3 पाइपों के नाम क्या हैं? एक ए पाइप है, एक बी पाइप है और एक सी पाइप है, ठीक। ये होज को भरता है 3 घंटों में, बी वाला पाइप भरता है 5 घंटे में, और सी वाला जो पाइप है वो 2 घंटे में खाली करता है। इसका मतलब ये दोनों तो प्लस हैं और ये माइनस है। अब आपका काम क्या है? आपका काम है एलसीएम। 3, 5 और 2 का एक ऐसा नंबर ले लो जो 3 से भी कटे, 5 से भी और 2 से भी। जल्दी बताओ एक ऐसा नंबर क्या हो सकता है? अगर मैं यहां पे 10 रखूंगा तो 3 से नहीं कट सकता, 15 रखूंगा तो 3, 5 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 20 रखें तो 3 से नहीं कटेगा, 25 रखेंगे तो ना 3 से ना 2 से, 30 नंबर अगर मैं यहां पे रख दूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बच्चों वाला तरीका नहीं करना कि हम यहां पे रखें 3, 5, 2 और भाग लगाना शुरू करें। 3 से 30 कटेगा पूरा 10 बार, 5 से कटेगा 6 बार और 2 से कटेगा पूरा 15 बार। कटेगा या नहीं? इसका मतलब ए पाइप 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरता है, बी भरता है 1 घंटे में 6 लीटर, और जो सी नाम का पाइप है वो 1 घंटे में 15 लीटर खाली करता है। बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल, खाली वाले की तो वैल्यू घटाएंगे इसलिए तो उसको माइनस में रखा है। 10 और 6 मिलके कितना हो गया? 16, और 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 1। इसका मतलब टंकी में 1 घंटे में मात्र 1 लीटर पानी भरा जा रहा है। 1 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है? 1 लीटर। पानी भरना कितना है? 30 लीटर। और किसको भरना है? तीनों नलों को भरना है। तो अगर हम तीनों को एक साथ खोल दें, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक 30 लीटर की है, 30 को 1 से भाग लगाएंगे क्योंकि 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो टोटल भरना है 30 लीटर। कितना समय लगेगा बेटा? 30 घंटे का समय लगेगा पूरी टंकी को भरने में। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? ये 3 पाइप वाला क्वेश्चन आ गया। चिंता मत करो, क्वेश्चन का लेवल बदलेगा, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें। यूपी पीसीएस के एग्जाम में टाइम एंड वर्क से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। चलो 4-5 क्वेश्चन बेसिक होंगे, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल चेंज होने लगेगा। 3 नल है ABC, एक ओवरहेड टैंक को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटों में भर सकते हैं, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वह टैंक को भरने में कितना समय लेंगे? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 4, 6 और 12 घंटे में भर रहे हैं, 4, 6 और 12 का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा? 12 ही ले लो या 24 ले लो, ऐसा नंबर लेना है जो तीनों से कट जाए। कितना आ रहा है?
अजय कह रहे हैं 48, नंबर ऐसा लेना है जो सबसे कटे, ये ध्यान रखना। 4, 6, 12 आपकी मर्जी है, आप 12 ही ले लो ना। यहां पे लिखो 4, 6 और 12, सबसे छोटा नंबर ले लिया हमने, ये रहा 12। 12 से 4 गया, 4 3 12, 6 2 12 और 12 से जाएगा 1 बार, तीनों भर रहे हैं, 3 2 5 और 1 6। 6 से इसको भाग लगाएंगे, 6 2 12, 2 घंटे का समय लगेगा, खत्म हो गई बात। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एलसीएम तो 12 बनेगा, अब वो आपकी मर्जी है, आप इसको 24 से भी कर सकते हो, आप इसको 36 से भी कर सकते हो। नंबर वो लेना है जो तीनों से कट जाए, बस इतनी सी बात है। क्लियर? चलो आगे बढ़े। जो बेसिक क्वेश्चन होंगे उनको अब हम स्किप करेंगे, और जिसमें हमें लगता है कि ये क्वेश्चन अच्छा है उसको हम सोल्व करेंगे। बताइए, नल ए बी तथा सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। क्वेश्चन चेंज हो गया बेटा, ए बी और सी मिलकर, उसने बोला है तीनों एक साथ मिलकर खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। अकेला नल ए इसे 30 मिनट में, अकेला बी इसे 40 मिनट में भर सकता है, अकेला नल सी इसे भरने में कितना समय लेगा। अब यहां से आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ए की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी कि ए एक घंटे, मिनट दिया है, घंटे मिनट दिया है, कि ए नाम का जो पाइप है एक मिनट में कितना पानी भरता है, बी नाम का पाइप एक मिनट में कितना भरता है, और सी नाम का पाइप एक मिनट में कितना भरता है। जब तक आप तीनों का पता नहीं कर पाओगे तब तक इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। एस बी पांडे, पंकज और सालू का आंसर आ चुका है 24 मिनट, 24 मिनट आंसर कर रहे हैं। बताइए, अजय कह रहे हैं 24 मिनट। चलो देखते हैं, तीन नल हैं हमारे पास जो मिलकर, मिलने का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी, मिलकर टंकी को 10 मिनट में भर देते हैं। क्लियर? जबकि अकेला नल ए, नेक्स्ट लाइन में लिखो, अकेला नल ए इस टंकी को 30 मिनट में भरता है, उसके बाद अकेला नल बी इस टंकी को 40 मिनट में भरता है, बात खत्म। लिख दिया 10, 30 और 40 का, सबसे पहले मुझे एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना लें, एक ऐसा नंबर जो 10 से भी भाग लगा दे, 30 से भी लगा दे और 40 से भी लगा दे, वो नंबर होगा 4 3 12, 120। 120 10 से भी भाग लगा सकते हैं, 30 से भी और 40 से भी, 10 एकम 10 और 10 2 20, 12 बचेगा, 3 चौक 12, कितना आ गया बेटा 4, और 4 3 12 यहां से आ गया 3। क्लियर? आप सभी को पता है ए बी और सी एक मिनट में, घंटे मिनट, एक मिनट में 12 लीटर भरते हैं, ए अकेला एक मिनट में 4 भरता है और बी अकेला एक मिनट में 3 भरता है, ये पानी भर रहा है टंकी के अंदर। तो यहां से हमें कैसे पता चले कि ए की एक मिनट में 4 भर रहा है, बी एक मिनट में 3 भर रहा है, तो सी का निकालो। कैसे निकालोगे? देखो, अगर यहां पे मैं ए की कार्य क्षमता रख दूं कि ए नाम का पाइप एक मिनट में 4 भरता है और बी नाम का पाइप एक मिनट में 3 लीटर भरता है, 4 और 3 7, 7 लीटर तो भर दिया ए और बी ने, और तीनों ने मिलकर भरा था 12 लीटर, तो 12 में से अगर 7 को माइनस कर दें तो आपको ये पता चल जाएगा जो सी नाम का पाइप है, 12 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 लीटर। इसका मतलब सी नाम का पाइप एक मिनट में 5 लीटर पानी भरता है, और टंकी को किससे भरवाना है, अकेले सी से, तो टोटल टंकी की क्षमता कितनी है, 120 लीटर।
सी की कार्य क्षमता 5 है, 5 × 10 क्लियर, कितना बचा 2 बचा, 5 × 20 कितना आंसर आया 24 मिनट का समय लगेगा किसको, सी नाम के पाइप को अकेले टंकी को भरने में। बताइए किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? जब भी आपसे ऐसे पूछे कि ए बी सी तीनों मिलकर इतने में भरते हैं, ए इतने में बी इतने में, तो सी की निकाल लो, निकाल सकते हैं या नहीं? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। तीन नल, साफ साफ बोल दिया है नल कितने हैं, 3 ए बी और सी, एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? ये आया क्वेश्चन, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। बताओ जल्दी। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अभी तक जो 4-5 क्वेश्चन किए हैं वो आपका रिदम बनाने के लिए कि बेसिक क्या होता है। पंकज कुमार कह रहे हैं 7 घंटे का समय लगेगा। क्वेश्चन चेंज हुआ, आंसर आने बंद हो गए। बेसिक का आंसर तो आप बहुत जल्दी देते हो, लेकिन दिमाग तो यहां लगाना है कि इसमें कितना समय ले रहे हैं आप, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन नहीं आने वाले एग्जाम में, ये आएंगे। सालू ने आंसर किया 7 घंटे। शुभम कुमार कह रहे हैं सर मैं IIT कर लिया, बहुत अच्छी बात है, अब थोड़ा तैयारी कर लो। प्रेम कुमार ने भी आंसर किया है, समय लग रहा है इस क्वेश्चन में, लेकिन जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। 7 घंटे, 3 बच्चों का आंसर आ चुका है। मेरा नहीं बना, कोई बात नहीं, चलो ध्यान से देखना है। 3 नल हैं ए बी और सी, ए बी और सी बारी बारी से टंकी को भर रहे हैं कितने समय में, 12, 15 और 20 घंटे में, ये 12 में, ये 15 में और ये 20 घंटे में। सबसे पहला काम LCM कि टोटल क्षमता कितनी है टैंक की। 12, 15, 20 से एक ऐसा नंबर लो जो तीनों से कट जाए, तो आंख बंद करके यहां पे 60 लिख लो, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, इतना तो सब कर सकते हैं और सबने किया होगा ऐसा। हाँ, लैंग्वेज समझ में आता है तभी होता है, इतना सबने कर लिया है। लेकिन अब उसने बोला है यदि नल ए पूरे समय खुला रहे, नल ए हमेशा खुला रहेगा, नल ए को हम बंद नहीं कर सकते, तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं। नल ए तो खुला रहेगा लेकिन इसके साथ बारी बारी से बी और सी को खोला जाएगा, तो ए के साथ बी को खोल दिया, ए को बंद नहीं करेंगे, अगले घंटे ए तो चलता ही रहेगा
लेकिन ए के साथ सी को खोलेंगे, बी को बंद कर देंगे बारी बारी से। फिर कंडीशन ए और बी की आएगी, फिर बी को बंद कर देंगे, बी की जगह ए के साथ सी आ जाएगा। इसका मतलब ये है बारी बारी से। अब आप सभी को पता है ए एक घंटे में 5 लीटर भरता है और बी एक घंटे में 4 लीटर भरता है। 5 और 4 मिलके कितना हो गया, 9 लीटर पानी भर दिया ए और बी ने मिलकर एक घंटे में। क्लियर। अब बी नाम के पाइप को बंद कर दिया, जबकि ए तो हमेशा खुला रहेगा। उसने साफ साफ बोला है यदि नल ए पूरे समय खुला रहे, ए कितना भरता है एक घंटे में 5 और सी एक घंटे में कितना भरता है 3, 5 और 3 मिलके कितना हो गया 8। एक घंटे में इन दोनों ने 9 लीटर पानी भरा, एक घंटे में इन दोनों ने 8 लीटर भरा। अब दोबारा से क्यों चलाए, कंडीशन तो वही रहेगी, एक घंटे में 9 और एक घंटे में 8, 9 और 8 मिलके कितना हो गया बेटा 17 लीटर पानी भर दिया। ये 17 लीटर पानी कितने समय में भरा गया ये बताओ, जरा जल्दी बताओ। ये 17 लीटर जो पानी भरा है वो कितने घंटे में भरा है टंकी के अंदर, 2 घंटे में, क्योंकि एक घंटा ये रहा और एक घंटा ये रहा, तो ये 17 लीटर पानी भरा गया है मात्र 2 घंटे में। टंकी की क्षमता कितनी है 60 लीटर की, 60 लीटर पानी भरना है, और ये दोनों ऐसे मिलके ए के साथ बी और ए के साथ सी 2 घंटे में 17 भरते हैं, हमें भरना कितना है 60 लीटर। तो कैसे सोचोगे आप, कैसे सोचोगे जल्दी बताओ। 17 दुनी 34, 4 घंटे में 34 लीटर पानी, 17 तिया 51, 6 घंटे में कितना पानी भर देंगे, 6 घंटे में ये 51 लीटर पानी भर देंगे। टंकी है 60 लीटर की, 51 भरा जा चुका 6 घंटे में, 6 घंटे में भर दिया। अब जब 51 भर दिया बचा कितना, 9 लीटर पानी और भरना है, और 9 लीटर को कौन भरेगा, ये भरेंगे दोनों, भरेंगे या नहीं, और इन दोनों की एक घंटे में क्षमता कितनी है 9 लीटर भरने की, तो इसमें बेटा एक घंटा और ऐड कर लो, तो 6 और 1 मिलके कितना हो गया 7, 51 तो था ही, 51 में 9 ऐड कर दिया, कितना हो गया टोटल 60 लीटर। इसका मतलब 60 लीटर पानी भरने में 7 घंटे का समय लगेगा। जल्दी बताओ, किसी को कोई दिक्कत है, चीजों को समझना पड़ेगा। जब भी आपसे कहे बारी बारी से, तो बारी बारी का मतलब होता है एक बार ए भरेगा फिर बी भरेगा, फिर ए भरेगा फिर बी भरेगा। अगर वो ये ना बोलता कि ए सदैव खुला रहे, चलो ये रीस्टार्ट, सर 51 क्यों लिए, 51 इसलिए लिया बेटा 17 लीटर पानी 2 घंटे में भरा जाता है, इतने इसको स्टार्ट होने दो, मैं बता रहा हूं। तो 2 घंटे में 17 लीटर, 4 घंटे में कितना होगा 17 दुनी 34, 34 लीटर, 2 घंटे और जोड़ो 6 घंटे में 51 लीटर, 6 घंटे में 51 हो गया। अगर हमने इसको 8 घंटे कर दिया तो कितना हो जाएगा 68 लीटर पानी हो जाएगा, लेकिन टंकी की क्षमता तो 60 लीटर है, तो हम 51 पे आके रुक गए। अब हमने देखा पानी बचा कितना है भरने के लिए, 9 लीटर पानी बचा है, और 9 लीटर को कौन भरता है, ए और बी भरते हैं एक घंटे में 9 लीटर, तो उसको उनसे और भरवा दिया हमने। अगले की बारी नहीं आई, ए और सी की बारी नहीं आई, ए और बी ने काम खत्म कर दिया। क्लियर है बातें या नहीं, जल्दी बताओ, समझ में आई चीजें। हाँ ये अपडेट हो गया, काफी दिन में अपडेट हुआ आज। क्लियर, चलिए फाइल इंपोर्ट कर दें जरा।
कोई दिक्कत है किसी को? अभी भी कोई दिक्कत हो तो बता देना कि 51 कैसे आया, कि आपने इससे आगे क्यों नहीं बढ़े, 6 घंटे पे आके क्यों रुक गए? क्योंकि अगर हम 17 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 चौके कितना होता है, 68, तो पानी की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। टैंक की क्षमता कितनी है, मात्र 60 लीटर की, हम भर रहे हैं 68, ऐसे कैसे हो जाएगा, आएगा ही नहीं पानी। स्क्रीनशॉट तो अब गायब हो जाएगा, स्क्रीनशॉट तो अब लिया ही नहीं जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ही खत्म हो गया होगा। कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था ना? अब इसका स्क्रीनशॉट तो लिया ही नहीं जाएगा, दोबारा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये रहा, ये वाला क्वेश्चन था बेटा, दिमाग में तो है, जल्दी से सोल्व करके देख लो स्क्रीनशॉट क्या लेना। अब तो बता दिया मैंने, क्लियर? चलो आगे बढ़े, बताओ जल्दी। बताइए क्या आंसर आएगा। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में पानी से भर सकता है और टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। इस बार टंकी को भरवा नहीं रहा, इस बार बोल रहा है टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी अगर दोनों पाइपों को खोल दें, क्योंकि उनमें से एक पाइप ऐसा भी है जो टंकी को खाली करता है। बताएं, पंकज ने आंसर कर दिया 20 घंटे, सालू कह रहे 20 घंटे, बहुत बढ़िया। चलो करते हैं, दो पाइप है ना बेटा, एक पाइप टंकी को 5 घंटे में भरता है, ये पहला और ये दूसरा, ये तो भरता है 5 घंटों में और ये दूसरे वाला खाली करता है 4 घंटे में। एलसीएम कितना बनेगा, 5 चौक 20, 5 से गया 4 बार और 4 से जाएगा 5 बार, ये तो भरता है प्लस और ये करता है खाली माइनस। इसका मतलब घंटे की बात है, ये 1 घंटे में 4 लीटर भरता है और ये 1 घंटे में 5 लीटर खाली करता है, ऐसा कैसे हो गया, क्या पॉसिबल है ऐसा, ऐसा हो सकता है क्या? पानी भरा जा रहा है मात्र 4 लीटर और खाली कर रहे हैं 5 लीटर, ऐसा हो सकता है, यस या नो, इतना बताओ। सालू कह रहे नहीं हो सकता, जो बात मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। ऐसा पॉसिबल है क्या कि भरा तो 4 लीटर और खाली कर दिया 5 लीटर? हाँ तो ये बोलो ना, बिल्कुल सही बात बोली पंकज ने बेटा, हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, जब पहले से ही टंकी में पानी मौजूद हो, तब हम 4 भरे या 3 भरे और खाली कर दे 10 लीटर कर सकते हैं, लेकिन पहले से टंकी में पानी इसका मतलब था, तभी तो हमने 5 लीटर खाली किया। अब ध्यान से सुनना, अब आप कहेंगे सर इसमें से इसको क्यों माइनस कर रहे हो, 1 घंटे में कितने लीटर पानी बाहर निकलेगा, मात्र 1 लीटर पानी बाहर निकलेगा। 1 घंटे में 1 लीटर पानी को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, और वो बाहर कौन सा पानी निकलेगा, जो पहले से टंकी में भरा हुआ है, और टंकी की क्षमता कितनी है, 20 लीटर की, और 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर आता है, 4 भरा जा रहा है 5 निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब 1 लीटर बाहर निकाल रहे हैं 1 घंटे में, तो 20 लीटर पानी बाहर निकालना है, 20 को 1 से भाग लगा दो, 20 घंटे लगेंगे, खत्म हो गई बात। बिल्कुल पहले से पानी होगा टंकी के अंदर,
तभी हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर पहले से पानी नहीं है तो कैसे निकाल लोगे? फिर तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उसने हमारे सामने कोई कंडीशन नहीं रखी। क्लियर हो गई बात? अब यहां पे प्लस माइनस रखोगे तो कंफ्यूजन होगा, प्लस माइनस मत रखो। आप बस ऐसे समझो, 4 लीटर भरा जा रहा है, 5 लीटर खाली कर रहे हैं, तो 1 घंटे में 1 ही लीटर पानी खाली कर रहे हैं हम। तो खाली करना है 20 लीटर पानी, तो 1 लीटर 1 घंटे में हो रहा है, तो 20 घंटे लगेंगे 20 लीटर पानी निकालने में। चलिए नेक्स्ट बताओ, सही है? चलो बताओ क्या आंसर आएगा। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटों में भर सकता है, टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। अब टंकी की तली में कोई छेद हो गया है जिससे पानी टपक रहा है, ठीक। अब पानी भरा भी जा रहा है और पानी निकल भी रहा है। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? जल्दी बताओ। लैंग्वेज को समझो क्वेश्चन के। अजय कह रहे हैं 14 आवर, 14 घंटे लगेंगे। एक पंप है, उसका नाम रख दे यहां पे पी, पानी की टंकी को 2 घंटे में भरता है। क्लियर? टंकी में पानी चूने से, अब पानी बाहर निकल रहा है क्योंकि उसमें एक होल हो गया है, तो इसको भरने में इतने घंटे लगते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों चीज सम्मिलित हैं। टंकी को खाली भी किया जा रहा है एम्प्टी, और पंप टंकी को भर भी रहा है, तो समय कितना लगता है, 2 सही 1/3, 3 × 6 और 1 7/3 घंटे का समय लगता है। यहां से एलसीएम ले लो, 7 × 14 एलसीएम बनेगा, 2 से जाएगा 7 बार, 7 से 2 बार और 2 × 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 6। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। इसका मतलब 7 लीटर पानी भरते हैं और 6 लीटर खाली हो जाता है। कोई दिक्कत है? जल्दी बताइए, भरा कितना जा रहा है, 7 लीटर, और जब दोनों को खोल रखा है, भर भी रहे और खाली भी हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 6 लीटर। तो बच कितना रहा है, 1 ही लीटर तो पानी बच रहा है, 1 लीटर। टंकी कितने लीटर की है, 14 लीटर की, 14 लीटर खाली करना, 1 घंटे में 1 लीटर होता है, वही तो आंसर आ गया, 14 आवर, 14 घंटे का समय लगेगा इसमें भी। क्या करना है, पता नहीं कहां सोच रहे हो, आंसर क्यों नहीं आ रहा निकल के। करना थोड़ी है कुछ, बढ़े आगे। बताओ, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा? यही वे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। दो पाइप हैं ए और बी, एक ए पाइप 37 सही 1/2 मिनट में भरता है और एक पाइप बी उस टंकी को 45 मिनट में भरता है। सबसे पहले आपका काम है एलसीएम लेना, एलसीएम लेके ए का बताओ कि ए 1 मिनट में कितना पानी भरता है और बी 1 मिनट में कितना पानी भरता है, उसके बाद बात करेंगे।
जल्दी से बताओ, आंसर बाद में देना, पहले मुझे ये बताओ ए की कार्य क्षमता कितनी है और बी की कार्य क्षमता कितनी है। बताइए, एलसीएम लेने में दिक्कत होगी, अभी तो यहीं अटक गए, आगे का क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे। मुझे बताओ एलसीएम कितना ले रहे हो, देखते ही पेन चलाने की कोशिश करते हो ना। पंकज कह रहे हैं 1225, चाहत कह रही है 65, सालू कह रहे हैं 225। दो पाइप है बेटा, एक ए पाइप है और एक बी पाइप है। ए पाइप भरता है 37 सही 1/2। अब इसको चेंज कर लो, 37 दूनी कितना हो गया 74 + 1 = 75/2। यहां से आ गया 75/2 मिनट में भरता है। बी पाइप भरता है 45 मिनट में। एलसीएम लेने में दिक्कत है, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को छोड़ दो, यहां पे बटे में 2 लिखा इसको छोड़ दो, 75 और 45 का एलसीएम 225 होता है, निकाल के देख लो। 75 से 225 जाएगा पूरा 3 बार, और 45 से 225 कितनी बार जाएगा। अब जिसको टेबल अच्छे से याद है, स्क्वायर याद है, वो करता है, 45 से जाएगा पूरा 4 बार, लेकिन 75 से 225 को काटा 3 बार, ये 2 भी तो है, इस 2 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, 3 × 2 = 6। इसका मतलब ए नाम का पाइप 1 मिनट में 6 लीटर भरता है और बी नाम का पाइप 1 मिनट में 4 लीटर भरता है। बताइए कोई दिक्कत है किसी को। अच्छा यहां पे गलत लिख दिया, 4 × 5 = 20, इसको 5 कर लो, ये 225 था ना, लिख लो, इतना तो आप सब जानते हो, क्योंकि मुझे इधर भी देखना पड़ता है इधर भी। हाँ 5 बार काट दिया बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत है किसी को, इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। पाइप कौन कौन से थे हमारे पास, एक ए था और एक बी था, यहां पे लिखता हूं ए और यहां पे लिखता हूं बी, दोनों पाइपों को खोल दिया, खोल दिया, ये भी पानी भर रहा है और ये भी पानी भर रहा है। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए, इसके नीचे एक टंकी लगी हुई है, टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को, इस वाले पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा, इसको समझना है। कैसे समझेंगे बताओ, टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए कितने घंटे भरा जा रहा है टंकी को, आधे घंटे में, आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। अब जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया, ए को भी और बी को भी, और पाइप बी को आधे घंटे बाद बंद करना है, इस पाइप बी को आधे घंटे बाद हमसे पूछ रहा है कितने समय बाद इसको बंद किया, हमने टाइम हमसे पूछा जा रहा है, तो हमने इसको तो बंद कर दिया, इसको थोड़ी बंद किया था, ये तो कंटिन्यू चल रहा था। और आपको पता है जो ए नाम का पाइप है वो 1 घंटे में 6 लीटर भरता है, भरता है या नहीं, 1 घंटे में भरता है 6, आधे घंटे में इसने कितना भरा होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आधे घंटे में 30 मिनट, 6 × 3 = 18, 180 लीटर पानी भरा किसने, ए नाम के पाइप ने, यहीं से बनेगी कंडीशन।
आधे घंटे में ए ने 180 लीटर पानी भर दिया। टोटल टंकी कितने लीटर की है? 225 लीटर की। इस 225 में से इस 180 को कर दो माइनस, 5 में से 0 जाएगा कितना बचेगा? 0। 12 में से 8 गया कितना बचा? 4। 40 निकल के आया। अच्छा यहां पे तो 5 ही रखेंगे, 0 क्यों रखवा रहे हो? ये कितना था? ये बी था, 45 ही तो बचेगा यहां पे। 5 में 0 गई 5। क्लियर? कितने लीटर पानी बचा? 45 लीटर। अब इस 45 लीटर पानी को किसने भरा होगा? इस बी ने भरा होगा। और बी की कार्य क्षमता कितनी है? एक घंटे में 5 भरता है। तो इस 45 को 5 से भाग लगा दो, 5 × 45। इसका मतलब 9 मिनट के बाद इस पाइप बी को बंद कर दिया गया था। बताइए चीजें समझ में आई हैं या नहीं? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने बोला ए और पाइप को, दोनों को एक साथ खोल दिया टंकी में, लेकिन आधे घंटे बाद इस बी पाइप को बंद कर दिया। आधे घंटे ए और बी दोनों टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए, आधे घंटे में भरना था टंकी को, तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद किया ये हमसे पूछ रहा है। आधे घंटे तक टंकी को भर दिया हमने, ये भर गई टंकी, भर गई टंकी। अब इस आधे घंटे में इस ए नाम के पाइप ने कितना पानी भरा? हमें पता है ए की क्षमता 6 लीटर है, एक घंटे में 6 भरता है, आधे घंटे में 180 लीटर भर दिया। किसने? ए ने। अब जब दोनों ने मिलके भरा है, 225 में से 180 माइनस कर लो, तो ये 45 लीटर पानी किसने भरा? बी ने भरा। और बी की कार्य क्षमता एक घंटे में 5 लीटर की, तो 5 × 45, इसका मतलब 9 मिनट के बाद बी को बंद किया था। बताएं, ये सुपर वाला क्वेश्चन है भाई, इतना सही तो करना है एग्जाम में, और करना क्या है। और ये क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क में भी कराया था मैंने आपको, कराया था, जो क्लास में होगा उसको पता होगा। बताओ छह घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे भरे जलाशय को 15 दिनों में खाली कर सकते हैं। ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय को 12 दिनों में खाली कर सकेंगे? बेटा इस क्वेश्चन में एमडीएच वाला कंसेप्ट लगेगा, एमडीएच वही लगाओ सबसे अच्छा है। एमडीएच बराबर क्या होता है? एमडीएच के होता है। अब आप कहोगे दो बार क्यों लिखा? क्योंकि एक एडवर्टाइज भी आता है एमडीएच मसाला सच सच, दो बार बोलता है, हमने भी दो बार लिख दिया। अब यहां पे ये क्या होता है? मैन M1D1H1, M2D2H2। नीचे क्या होती है? वस्तु होती है या कार्य, जो भी कार्य देता है। समझना है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप, तो 12 तो आदमी हो गए, 12 पंप लिख लो, 12 पंप 6 घंटे काम कर रहे हैं, 6 लिख दिया। 15 दिन, D1 की वैल्यू कितनी हो गई? 15 बराबर। अब बोल रहा है आगे ऐसे ही कितने पंप, इसका मतलब M2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। यहां M2 ना लिख के P लिख दो, PDH, क्या दिक्कत है? 9 घंटे, दिन कितने हैं? 15, 15 × 9, M2 की वैल्यू निकाल लो जल्दी से, जल्दी बताओ। 15 से 15 कैंसिल हो गया, 3 से 3, 3 चौक 12 और 3 × 3 = 9, और देख लो 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, M2 बराबर कितना आ गया? 8। क्या गड़बड़ हो गई? क्या गड़बड़ किया हमने? 15 से तो 15 कैंसिल होगा या नहीं? अच्छा अच्छा दिख लिया, दिख गया, समझ में आ गया क्या गलती कर दी हमने। यहां पे ये गलती कर दी बेटा, 6 12 और 15 ही तो था, 12 × 6 × 15 बराबर कितने के है? पहली लाइन खत्म, 9 × 12, तो M2 × 9 × 12 अब होगा सही। ये गड़बड़ की थी हमने, ठीक है, 12 से 12 जाएगा, ठीक। अब देखो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 और 5 × 2 = 10 आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 10।
दस दिन, क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। वही याद रखना, एमडीएच बराबर एमडीएच के, और कुछ नहीं करना। चलिए बताओ, एक खाली टैंक पाइप ए द्वारा 4 घंटे, पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा, बताओ जरा। अभी कराया था मैंने बारी बारी वाला क्वेश्चन, वहां पर सिर्फ 3 पाइप थे, यहां पर 2 पाइप है। जल्दी बताओ, पंकज कह रहे हैं 4 सही, 2/3 घंटे का समय लगेगा। चाहत कह रही है 5 घंटे, 5 तो ऑप्शन में भी नहीं है, 5 तो ऑप्शन में भी नहीं है। आप आंसर सही कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है दिक्कत कहां पे है। चाहत ने जो आंसर किया 5 घंटे, वो समझने में दिक्कत हो रही है, बस समझने में क्या दिक्कत है उसको समझना है। खाली टैंक है, ए और बी के द्वारा भरा जाना है। ए भरता है 4 घंटे में और बी नाम का जो पाइप है 6 घंटे में। एलसीएम कितना आएगा, 12, 4 3 12 और 6 2 12, क्लियर? कोई दिक्कत है? यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएं, इसको समझना है। पहले ए को खोलेंगे, फिर बी को खोलेंगे, इसको भी 1 घंटा खोलेंगे और इसको भी 1 घंटा खोलेंगे, फिर बी जला जाएगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे टंकी को भरना है बारी बारी से। तो इसका मतलब 3 और 2 5, ए 1 घंटे में 3 भरता है, बी 1 घंटे में 2 भरता है। 3 और 2 मिलके कितना हो गया, 5 लीटर पानी भर दिया। लेकिन ये 5 लीटर पानी 1 घंटे में नहीं भरा गया, ये 5 लीटर पानी को भरने में 2 घंटे लगे हैं, क्योंकि ए ने कितना भरा, 3 लीटर, और बी ने कितना भरा, 2 लीटर। समझ में आई? 2 घंटे में इन्होंने 5 लीटर भरा। टंकी कितने लीटर की है, 12 लीटर की। चलो 2 घंटे में कितना भर दिया बेटा, 5, ध्यान से समझना। अब फिर आगे आते हैं, अब ए का नंबर और फिर बी का नंबर, फिर ये दोनों मिलकर 2 घंटे में कितना भरेंगे, 5, 5 और 5 मिलके कितना हो गया, 10, 10 लीटर पानी भर दिया। कितने घंटे में, 4 घंटे में। टंकी तो 12 लीटर की है, अभी भी 2 लीटर पानी शेष रह गया है, और उसको कौन भरेगा, अब भरेगा ए, बी को नहीं ला सकते। अगर बी को लिया है तो दोनों मिलकर 5 लीटर भरते हैं 2 घंटे में, और हमें सिर्फ आवश्यकता है कितने की, 2 लीटर पानी की। और जबकि ए की कार्य क्षमता 1 घंटे में 3 भरता है, भरता है या नहीं भरता, जल्दी बताओ। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? 5 घंटे नहीं बोल सकते आप, 2 और 2 मिलके 4, 4 घंटे में 10 लीटर भर दिया, बचा कितना है, मात्र 2 लीटर पानी बचा है। इसको कौन भरेगा, इसको भरेगा ए, तो 3 से भाग लगा दो, 2/3 घंटे यहां से लगेंगे,
तो टोटल आंसर आएगा 4 सही, 2/3 घंटे का समय लगेगा पूरी टंकी को भरने में। क्लियर हो गई बात। अगर यहां पे 12 की जगह 15 होता तो हम डायरेक्ट लिख देते 2 और 2 4 और 2 6, 6 घंटे लगते फिर तो, क्योंकि 5 यहां से, 5 यहां से और 5 वहां से, 5 3 15। इसको समझना है बेटा, एक ही कार्य क्षमता कितनी है, 1 घंटे में 3 भरता है, भरना कितना है 2 लीटर, तो 2 को 3 से भाग लगा दो, इतना ही समय लगेगा बस। ये हो गया, तो 4 में इतना और जोड़ दो, कैसे लिख दूं, 4 सही 2/3 घंटे। यही क्वेश्चन पूछने वाला है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़े, अगर आप इनको रटने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं रट सकते, चीजों को समझना पड़ेगा। ए बी सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं, अकेला न ले इसे 30 मिनट, बी 40। ये तो करा दिया बेटा मैंने, स्किप करो इसे। अगर ए भरे तब 2/3 ऐसे आ गया क्या? बेटा हमारे पास कंडीशन है क्वेश्चन में, कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी टोटल टंकी 12 लीटर की थी, पहले 1 घंटे ए भरेगा, अगले घंटे बारी से बी आएगा, बारी बारी, समझते हो, बचपन में खेल तो खेला होगा कि मेरी बारी आई मेरी बारी आई, एक के बाद एक की तो बारी आती है, या एक साथ दोनों खेल लोगे, नहीं खेल सकते, पहले ए की बारी आई फिर बी की, फिर ए की फिर बी की, ऐसे चला सीक्वेंस। क्लियर, 24 मिनट जो भी है, इसको स्किप कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो अपने आप करके बताना, सिंपल क्वेश्चन है, करा दिया है। चलिए चलो, हाँ रिपीट हो गया था, ज्यादा बड़ा तो नहीं कर दिया, अब बताओ। बताइए, एक टंकी को नली ए द्वारा 2 घंटों में भरा जा सकता है और नली बी द्वारा 6 घंटों में। सबसे पहले इसको यहां तक सोल्व करो जल्दी से। एक ए नली है और एक बी नली है, ये भरती है 2 घंटे में और ये भरती है कितने में, 6 घंटे में। एलसीएम तो 6 ही आ गया, 2 से गया 3 बार और 6 से जाएगा 1 बार, यस या नो, 3 और 1। क्लियर, अब आगे बढ़ो। प्रातः 10 बजे नली ए को खोल दिया गया, ये जो नल है ना ए, इसको कितने बजे खोला, सुबह के 10 बजे खोला है, 10 बजे एएम लिख दिया यहां पे, 10 बजे खोला है, तथा नली बी को 11 बजे प्रातः खोल दिया जाए, इसको कितने बजे खोला गया, इसको खोला गया बेटा 11 बजे सुबह के, इसको 10 बजे खोला था, इसको 11 बजे खोला था, तो टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी। पंकज कह रहे 11:15 पर, अगर मैं आपसे कहूं दोनों मिलकर, ये तो 3 लीटर पानी भरती है और ये 1 लीटर भरती है नली, 3 और 1 मिलके कितना हो गया बेटा, 4, ये दोनों मिलकर 4 लीटर पानी भरती है टंकी में, ठीक,
लेकिन कंडीशन दूसरी है, इसको 10 बजे खोला, इसको 11 बजे खोला। ध्यान से देखना, ये एक घंटे में 3 लीटर पानी भरता है नल ए, ये एक घंटे पहले खुला है और ये एक घंटे बाद खुला है। टोटल क्षमता है टंकी की 6 लीटर की, 6 लीटर में टंकी पूरी भर जाएगी। और अगर ये 10 बजे खोला इसको और इसको 11 बजे, तो इनके बीच में 1 घंटे का डिफरेंस है। और 1 घंटे में ये नल ए 3 लीटर पानी भर देता है, भरता है नहीं, तो 6 में से 3 लीटर पानी भर दिया किसने, ए नाम के पाइप ने। 3 लीटर पानी भर दिया ए नाम के पाइप ने, कितने घंटे में, 1 घंटे के अंदर। ये बात समझ में आ गई। बिल्कुल सही बात है, चाहत कह रहे हैं 3 लीटर पानी, क्योंकि इसको 10 बजे खोला है और इसको 11 बजे, वही ट्रेन वाला कंसेप्ट। एक ट्रेन सुबह 10 बजे चली और एक उधर 11 बजे चली, तो ये 1 घंटा पहले चली, तो 1 घंटे में ये अपनी चाल से 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, जो इसकी चाल होगी। वही यहां पे कंसेप्ट बन रहा है, टाइम बैलेंस कर रहे हैं हम। यस या नो, जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? इतनी बात में कोई डाउट है तो बता दो, जल्दी बताओ। 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरा जा चुका, अभी भी पानी बचा है कितना, 3 लीटर और भरना है। और इस 3 लीटर पानी को कौन भरेगा, ये बताओ जरा। ए भरेगा, बी भरेगा, या दोनों भरेंगे, जल्दी बताओ। चाहत कह रही है ए और बी दोनों भरेंगे। दोनों, ध्यान से देख के पढ़ना क्वेश्चन को, आपको यह समझ में आ गया, दोनों मिलकर 1 घंटे में 4 लीटर भरते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं पूछा हमसे, हमसे तो ये बोला ए को 10 बजे खोला, बी को 11 बजे, और ए अगर 1 घंटे में 3 भरता है, तो इसने एक, इसको 10 बजे खोल दिया, इसको 11, तो ये 11 आने तक 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटे में इसने 3 लीटर भर दिया। क्या इस ए को बंद किया गया, नहीं किया गया। अब जो भी पानी बचा है इसको कौन भरेगा, इसकी घड़ी में भी 11 बज गए और इसकी में भी 11 बजे हैं, दोनों चल रहे हैं। ये तो 10 बजे ही चालू कर दिया था, इसको 11 बजे किया है, दोनों मिलकर 3 और 1 4 लीटर पानी भरते हैं, तो 3 लीटर पानी को भरने में कौन भरेगा, 4 से भाग लगा दो। यस या नो, यहां से 1 घंटा निकाला था तो 1 सही 3/4 घंटे, तो ये निकाल लिया, अभी तो किया ऐसे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि ये घंटे में हमें मिनट में बनाना पड़ेगा। कैसे करो, इसकी मल्टीप्लाई 60 से कर लो, 1 घंटे में 60 मिनट, ये जाएगा कितने, 4 * 4 = 20 = 15 = 45, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट लगा टंकी को भरने में, किसको, दोनों को। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी, किस समय तक पूरी भरेगी। नल को कितने बजे खोला गया था, 10 बजे, तो 10 में बेटा इसको ऐड कर लो, 10 और 1 घंटा 45, 11:45 पर टंकी को पूरा भर दिया जाएगा, किसके द्वारा, दोनों के द्वारा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझना है बस। अजय, अब जो बचा हुआ पानी है ना, ये 3 लीटर, इसको दोनों भरेंगे, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि ए नाम के पाइप को बंद कर दिया गया। अगर ऐसा बोलता तो फिर हम इस 3 को दोनों से ना भाग लगा के फिर इससे लगाते बी से, और बी 1 घंटे में भरता 1 लीटर। क्लियर,
कोई दिक्कत है? चलो यहीं तक रखेंगे आज क्लास, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर हो गया? चलो अब टंकी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लगाने हैं। अभी एक दो दिन और चलेगा टंकी वाला टॉपिक, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे करा दूंगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। इवनिंग कल साइंस की क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि सर्वर ही डाउन था, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आज क्लास होगी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।